नमस्कार। तो आज हम निकल पड़े हैं घूमने के लिए, जाने के लिए तैयार हो गए हैं। आज एक हल्द्वानी से बहुत पास जगह जिसका नाम है हरिपुर रिजर्वायर, और ये है हमारे साथ नहाना भट्ट, और अंदर से मौसी देख रही हैं हमको। ये हैं अक्षिता आद्या भट्ट हमारी, और हम लोग अब जाएंगे अपनी आई-10 से। आज नैनो नहीं ले जा रहे हैं, आज आई-10 से जा रहे हैं। सुबह हमने फ्रेंच फ्राइज खाए आज स्पेशल, और बीन्स आलू की सब्जी। उसके बाद हम अब जा रहे हैं घूमने के लिए। अभी कुछ लोग अंदर हैं, कुछ कुछ चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। तो ये हरिपुर रिजर्वायर की जर्नी स्टार्ट, बीच ऑफ कुमाऊं, बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं वहाँ के, वहाँ की जर्नी की शुरुआत। हम निकल चुके हैं घर से, और ये है मम्मी, भाभी, काश्मी, और ये है हमारी अहाना प्यारी प्यारी, अभी इसका मूड सही नहीं है थोड़ा, आद्या भट्ट, और ये है हमारे मिस्टर ड्राइवर सुनील भट्ट। ये है हमारा रास्ता आगे, और हम जा रहे हैं रास्ते से बरहेनी। हल्द्वानी से बहुत नज़दीक है, लगभग 1 घंटे का रास्ता है, और हम पहुंच जाएंगे। आना कहाँ जाएंगे हम बेटा? बीच में जाएंगे, उत्तराखंड का बीच। कहाँ जाएंगे, क्या लाओगे आप वहाँ से? बीच है। क्या लाओगे बताओ बताओ? हल्द्वानी में घूमते हुए आवारा जानवर, हमारी भाभी का अचानक बना है प्लान कि 5 मिनट में तैयार हुई है। कमलवा गाजा चढ़ा इस रोड से नीचे हम जाएंगे। अब हम जाएंगे इस तरफ, राइट की तरफ। आज मुझे बच्चों के साथ जाने का मौका मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आज बच्चों के साथ जाने का मौका लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप ठीक हो? आर यू ओके? ओके बोलो। थोड़ा थोड़ा गुस्सा है अभी भी, इसे थोड़ी सी मार खाई है आज क्योंकि ये थोड़ी शैतानी कर रही थी, गलती की थी, और इसलिए अभी ये थोड़ा गुस्सा है। हाँ, लामा चौर चौराहा पहुँच चुके हैं हम। ये वाली रोड जाती है फतेहपुर को, और इस तरफ है रोटी स्कूल, और सामने हम जा रहे हैं बाजपुर के पास। पेट्रोल पंप में हम लोग पेट्रोल भराएंगे अब। आम्रपाली कॉलेज की बाउंड्री, बगीचा रेस्टोरेंट, इसका एम्बियंस बहुत सुंदर है, पार्किंग भी बहुत अच्छी है, और ये एक बैंड है। यहाँ पे दो रोडें कट रही हैं, हम मेन हाईवे में चल रहे हैं। आगे है भाखड़ा नदी, आजकल सूखी हुई है गर्मियों में, लेकिन बरसात में इसमें काफ़ी पानी आ जाता है। भाखड़ा ब्रिज को हम क्रॉस करते हुए, इस रास्ते में जंगल पड़ता है काफ़ी, और कई बार इस रास्ते में जंगली जानवर भी दिखाई देते हैं, जैसे कि हाथी, बारहसिंगा। पहाड़ी गानों को एंजॉय करते हुए हम पहुंच चुके हैं
है चकलवा। यहाँ पर एक गेट बनाया हुआ है कारगिल शहीद मोहन चंद्र जोशी जी को समर्पित। आना सो रही है, भाभी भी सो रही है, काश भी सो गई है। आद्या ऑल गुड, सो गई, आना भी सो गई, आना नहीं सोई, आंख खुली है उसने। हनुमान मंदिर यहाँ की है दीक्षा। कालाढूंगी का थाना और कालाढूंगी में हम लोग एंटर कर चुके हैं। यहाँ से देहरादून 76 किलोमीटर है, रामनगर 31, कालाढूंगी की बीच मार्केट में हम लोग हैं। यहाँ की नगर पंचायत कालाढूंगी का GGIC। ये ब्रिज बन गया है यहाँ पे, बहुत अच्छा। काफी समय तक ये रास्ता बहुत खराब रहा, तो इसका अल्टरनेट रूट नीचे से बनाया था, अभी बहुत अच्छा बन गया है रास्ता। कॉर्बेट म्यूजियम और ये रोड जाती है नैनीताल की तरफ, हम सीधे जा रहे हैं। जंगल की रास्ता जहाँ हम गए थे, नहीं गए थे तुम आते? यहाँ पे बहुत अच्छे से रोड को डिवाइड किया गया है, बड़ा सुंदर तरीके से। और एक रोड है इसमें जो राइट की तरफ दिख रही है, ये रोड कोटाबाद की तरफ जाती है। एक बहुत ही सुंदर डेस्टिनेशन है, बहुत ही सुंदर डेस्टिनेशन है कोटाबाद। अगर आप वहाँ घूमने आना चाहते हैं तो आपको हिल्स, प्लेन्स, जंगल सब कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। अच्छा वो गई रामनगर को बाजपुर की तरफ। यहाँ पे अमरूद पुलम, पहाड़ी फ्रूट पुलम मिलने लग गया है। और यहाँ से काशीपुर 42 किलोमीटर से बाजपुर है 80। नहाना कैसा लग रहा है आपको? अच्छू क्या होता है? अच्छू लग रहा है, मुझे तो लग रहा था आहाना घर ही रह गई है। G20 यहाँ पे G20 मिला है। आहाना बंदर, आहाना देखो मंकी, मंकीज कितने सारे मंकीज हैं। So many monkeys. गाड़ी चल रही है, चल रही है। हाँ, आपको हेलो कहने के लिए आए हैं। अब चला रखा है हमने हर जीरा नाम की जगह के लिए जहाँ हम जा रहे हैं। बहुत पानी ही पानी है वहाँ, है ना? है ना, है ना की इच्छा थी कि हम जाएं बीच पर, है ना? ना, 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 ना। हम जा रहे हैं उत्तराखंड के बीच पे। उत्तराखंड के बीच में आना बहुत मस्ती करते हैं। अब बैठ जाओ, अम्मा कह रही है बैठ जाओ। मेरी भाभी श्री सो चुकी हैं, बहुत गहरी नींद भी नहीं आई है उन्हें। वो खाना नहीं खा पाई है आज जल्दी जल्दी के चक्कर में। खा लिया, गाड़ी में ही खाया है। और हमारी काशवी भट्ट को नींद आ गई है, बहुत ही बढ़िया। ये हमारी आद्या भट्ट डायरेक्टर कैब बता रही है हमें। पुराने गाने चला दिए अभी हमने, तितलियां ही तितलियां, बहुत सुंदर तितलियां। आप तितली ऐसी बन जाती हो। हेलो तो कहना,
बाजपुर 10 किलोमीटर। अब यहाँ से उधम सिंह नगर जिला शुरू हो गया है, नैनीताल जिला समाप्त, देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर का बोर्ड लिखा जा रहा है। इस तरफ से रुद्रपुर भी जाया जा सकता है 47 किलोमीटर। ये यहाँ की बस है, लोकल बस है। ये है भैंसे, गाय, सब आपको हेलो करने आ रहे हैं। ये आज हमारी दोस्त आई है। बरहेनी हम पहुंच चुके हैं, अब यहाँ से एक टर्न आएगा, ये बरहेनी की मार्केट। ये राज केटर कॉलेज यहाँ का GIC। वो जो पहले रोड कट रही है, अब हम यहाँ से मुड़ जाएंगे लेफ्ट की तरफ। पेड़िया दौलत मन्ना खेड़ा वो रोड वही है, राइट की तरफ। आगे हमको लेफ्ट में जाना है पेड़िया दौलत की तरफ, ये गई है बन्ना खेड़ा को रोड, और सामने वाली रोड जा रही है बाजपुर की तरफ। रोड बहुत अच्छी है यहाँ की। क्या हो गया था ऐसा? गलती तो करी होगी। क्या गलती करी आपने? क्या गलती करी थी आपने? नीचे गिरी नहीं थी आप नीचे लेट गई थी। गुस्सा आया था मुझे, बोलो आप करोगी गुस्सा? क्या कहती थी सौम्या बुआ आपको? मिट्टू कहती थी ना? क्यों कहती थी मिट्टू? यहाँ बहुत सारी प्लांटिंग है, खेत है, फील्ड्स है, काफी खेती बड़ी है यहाँ पे, और एक बहुत सुंदर रोड इस तरफ। छोटी छोटी रोड्स कटी हैं यहाँ के आसपास के गांव को जा रही हैं जो है। लिली। कौन से लिली तो है। अच्छा काफी सारे लिलीज हो रहे हैं यहाँ पे। यहाँ लोग ये धान की खेती कर रहे हैं, धान लगाते हुए। यहाँ से हमें जाना है लेफ्ट की तरफ, एक रोड राइट को भी जा रही है, पर हम जाएंगे लेफ्ट वाली रोड की तरफ। हम मुड़ गए हैं लेफ्ट की तरफ। पुदीना नहीं पीती है? ये है पेड़िया रोड, पेड़िया दौलत इस जगह का नाम है। 3 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर बाद लेफ्ट। ये यहाँ की मार्केट, बरहेनी को हमें लेफ्ट को जाना है। यहाँ का गुरुद्वारा बोरिंग से पानी से सिंचाई करते हुए खेतों को। आगे लोग खेतों में काम कर रहे हैं। यही है गुल्लर भोज डैम। अब हम यहाँ से गुल्लर भोज डैम को मुड़ गए हैं, जिसको हरिपुरा डैम भी कहते हैं। लेफ्ट
यहाँ से सड़क आगे दिखने लग गया यहाँ से उसकी चढ़ाई। हम पहुंच गए हैं डैम के आसपास, अब वो गेट जैसा आ गया है। ये दिखने लग गया है यहाँ का डैम वाला पूरा एरिया। अब हम जा रहे हैं गाड़ी को पार्क करने, यहाँ पे गाड़ी पार्क करेंगे। तुम यहीं को उतार दे। ये हम पहुंच चुके हैं गुल्लरबोज डैम और आहाना भट्ट को बीच का मजा लेना है। आहाना भट्ट पहुंच गई हो आप? और वो है सामने इस डैम की शुरुआत और हम वहीं को आप पैदल पैदल जाएंगे। आना इज हैप्पी। हम सब लोग उतर रहे हैं, गाड़ी हमने पार्क कर दी है यहाँ पे। आगे पूरा पार्किंग वाला एरिया, काफ़ी अच्छी पार्किंग है यहाँ पे, पार्किंग स्पेस अच्छा है। ये है डैम, गर्मी है बहुत बट व्यू बहुत अच्छा है। अब हम आगे को जाएंगे। हमारी आहाना भट्ट जा रही है अपना बैग लटका के, जिसमें उसने अपने लिए खूब सारे खाने की चीज़ें रखी हैं। से उतर गए हैं हम सभी लोग। आहाना भट्ट ने अपना बैग गाड़ी में ही रख दिया है। ये है आद्या भट्ट, आगे को चली गई है। और ये है हमारे पतिदेव, ये है भाभी, काशवी उठ गई है। हेलो बोल दो काश्वी। हेलो बोलो। हेलो बोलो। हेलो हेलो हेलो। मम्मी कहाँ गई? मम्मी ये है। और हम जाने लग गए हैं आगे डैम की तरफ। ये है डैम आगे दिखता हुआ। ये हमारी ट्रैकर जा रही है एमएस अक्षिता भट्ट। और लोग पीछे आ रहे हैं, हम लोग आगे आगे जाते हुए। गेट लगा है यहाँ पे, गाड़ी हमने उधर पार्क करी है। शॉप्स हैं, खिलौने वगैरह की, और पीछे जूस की भी शॉप है यहाँ पे। और अब हम जा रहे हैं उस पहाड़ को। एक रास्ता इस तरफ, ये सीढ़ियाँ जा रही हैं, इससे हमें ऊपर को जाना है। इधर इधर से हम तैर के जाएंगे। ये होटल और रिजॉर्ट भी है यहाँ पे, बौर जलाशय का। बैठना नहीं है, पूछ कितना लग रहा है। और ये सुंदर सी सीढ़ियाँ बनाई हुई है, बड़ा अच्छा सा रास्ता बनाया है। जाओ सीढ़ियों से और ऊपर पहुँच के एक डैम है जिसमें काफ़ी सारा पानी है और जो बहुत बड़ा है, जो बहुत बड़ा है। पर आद्या भट्ट हमारी फ़ोटो खींच रही है। ऊपर से पूरा व्यू काफ़ी सुंदर। जुनास लस, इसकी क्षमता 250 क्यूसेक है। सिल लेबल 645 फिट, सिंचाई खंड रुद्रपुर। और नीचे वो रिजॉर्ट दिख रहा है। यहाँ पे फोटो पॉइंट्स हैं। यहाँ पे काफी वाटर एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि बोट वगैरह चलती हैं। वो अपने आप ही चल रही होगी। काशी कैसा लग रहा है? धूप लग रही काशी को बहुत तेज। बहुत सारा पानी है इसमें। पानी काची, पानी कितना छारा पानी है ना, धूप लग रही ना। हमने स्विमिंग पूल भी है वहाँ, काफी सारे लोग नहा रहे हैं जिसमें। और हमारी काशवी अब नीचे उतर गई है, थोड़ी गर्मी लग रही है उसको। आइसक्रीम, आज हम तीनों पिंक पिंक बन के आए हैं। आइसक्रीम खरीद ली है हम लोग, खाने वाले हैं मैंगो आइसक्रीम और सब चॉकलेट आइसक्रीम। और आहाना और काशवी और भाभी चॉकलेट आइसक्रीम खा रहे हैं। मम्मी ने का आइसक्रीम खाई नहीं। वो कैसे कलर की हैं? पिंक कलर। सारी फिश है यहाँ पे, पानी उतना साफ नहीं है तो उतना क्लियर नहीं दिख रहा है। बैठना नहीं है। आगे कयाकिंग हो रही है, ड्रिंकिंग वाटर। और ये है डैम बौर जलाशय।
ये है डैम जो कि बना है 1967 में। जलाशय की HFL कैपेसिटी FRL CA कैपेसिटी लिखी हुई है। इस समय जल स्तर काफी कम है क्योंकि गर्मियों का सीजन है। बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ पे नहाना सख्त मना है क्योंकि पानी बहुत गहरा है। पूरी बाउंड्रिंग है किनारे किनारे लेक की। अब हम यहाँ से फिर से वापस जा रहे हैं। फोटोग्राफी चल रही है, आधे की फोटो खींच चुकी है। काशवी हमारी पैदल पैदल चल रही है। काशवी काशवी ओ देखो काशवी काशी स्माइली फेस काशी और देखो चाची को। सुंदर गुल्लरबोज डैम का नज़ारा बोर जलाशय और हम लोग बोटिंग के लिए आगे बढ़ते हुए इस रास्ते में। बहुत ही सुंदर और ये रास्ता है आगे, ये पूरा जलाशय जो बहुत बड़ा है। यहाँ की गर्मी काशी ऐसे डाल दे, गर्मी कितनी हो रही है काशी ऐसे डाल देती हूँ उसको ऐसे डाल आ रही। कुल्फी खा रहे हैं हम लोग, ये सब लोग। ये काशी का कुल्फी है। गर्मी की वजह से हम लोग बहुत परेशान, इसलिए हम लोग खा रहे हैं कुल्फी। टिहरी एडवेंचर एंड वाटर स्पोर्ट्स का स्पीड बोट, बनाना, जेट स्की, बम्पर राइड, कैकिंग, मोटर बोट, सर्फिंग। अच्छा ये इतना खराब है अभी है? मोटर बोट है। मुझे जाने वहां। कुछ लोग स्विमिंग भी कर रहे हैं यहाँ पे। और अब हम जा रहे हैं मोटर बोट में। किस में जा रहे काशी? मोटर बोट में जाओगी काशी? मोटर बोट में जा रही है चाची। किस में जाओगी? मोटर बोट। उच में जाओगी? देखो इतना सारा पानी है वहाँ। किन्हें को समझ नहीं आ रहा? हम लोग निकल चले हैं मोटर राइड में। यह भाभी, यह काशवी, आद्या भट्ट, मम्मी बाहर हाथ यहाँ चले गए। पीछे करो फोन।
भाई जान थोड़ा छटका आएगा। पानी में डूब वहां तो बहुत ही गहरा है पानी। मम्मी को दिया आगे आगे मम्मी आ रही है आगे आगे मम्मी आ गई चलो। थैंक यू भैया, ये भैया ने हमारी वीडियोस बनाई हैं। बैग कहाँ रखा है? जेट स्की सब यहाँ पे जाते समय ऊपर सीढ़ियों के रास्ते से हम लोग गए थे, अभी हम इस तरफ से नीचे उतर रहे हैं। कैसा लगा बेटा पानी में? कैसा लगा? हां अच्छा लगा, एक बार हो गई थी ना, अच्छा लगा। मेरे को डर लग रही थी मैं। सामने हमारी गाड़ी पार्किंग में खड़ी हुई है और अब हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ, फिर कहीं रुक के हम लोग लंच करेंगे। ये बोर जलाशय की हिस्ट्री लिखी हुई है यहाँ पे, शांक लिखे हुए हैं, अक्षांश देशांतर ऊंचाई। इस रास्ते से हम आए थे और इधर हमने अपनी गाड़ी पार्क करी है आगे, और ये है पूरा इसका एंट्री गेट जिससे हम अंदर गए। हम वापस जा रहे हैं, जलाशय देख लिया है, बोटिंग कर ली है। आना बोटिंग कैसी रही आपकी? खूब मजा आया? नहीं आया? आदिया भाई अब आप दोबारा आओगे यहाँ? और आदिया भाई और हम निकल चले हैं वापस। आपका रिजॉर्ट दिख रहा है, काफी नेहरू रोड इस तरफ। रेस्टोरेंट में रुके हैं जहां हम लोग कुछ खाएंगे, और यहां से रामनगर 38-49 किलोमीटर से नैनीताल जिम कॉर्बेट पार्क 56, ये हमारी पार्किंग में गाड़ी लगी है। इसका एम्बियंस काफ़ी सुंदर है, हट जैसी इन्होंने बनाई है अलग अलग, और यहीं हम जाएंगे। आदिया भाई तो अब आप लंच के लिए रुकी हो, गाड़ी बाहर पार्क कर दी है हमने और हम यहाँ लंच करने के लिए आए हैं। देयर इज ऑफर, स्पेशल ऑफर ऑन थर्सडे, और हम रुके हैं रेस्टोरेंट का नाम है देसी हवेली। देसी हवेली, हवेली का जायका, मक्के की रोटी। आहना भट, हाउ आर यू? हेलो 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 आद्या भट, हेलो। यहाँ से वापस नैनीताल जिला लेके आए, लंच करके हम लोग निकल चुके हैं वापस। यहाँ से हल्द्वानी 35 किलोमीटर, थुरपाताल 35, नैनीताल 43, काड़ोधाम 41। और यहाँ से पुलिस चौकी से होते हुए हम ये देखिए G20 शिखर सम्मेलन रामनगर में हुआ था, इसलिए इतने सारे बैनर्स और होर्डिंग्स। हेलो हेलो
ये सामने वाली रोड सीधे कॉर्बेट फॉल को जाती है, रामनगर कनेक्ट करती है। आज ये रोड गई सब सीधे हल्द्वानी, ये रास्ता गया छोटा बाग को यहाँ से, और ये सीधा रास्ता हल्द्वानी का, कालाडुंगी कालाडुंगी के बाद हल्द्वानी। ये आ गया कॉर्बेट म्यूजियम, यहाँ से एक रोड आपकी जाती है नैनीताल को। हाँ, ये सामने गया आपका हल्द्वानी का रास्ता, ये गया हल्द्वानी को। ये नीचे स्विमिंग पूल है, वाह देखो सब लोग नहा रहे हैं। एक भागते आदमी बंदर दिख रही है, वो देखिए वो बंदर, लाइव बंदर शो। व्हाट्सअप बंदर, केला खाओगे? केला खाओगे बंदर? वो मेरी बंदर, केला खाओगे? केला, अरे केला खाओगे? अरे टेल मी बंदर। अरे आजकल बंदर आइसक्रीम भी खाने लग गए, वहां तक हमें चल के जाना है। अगर हमें कोई भी बोर्ड एक्टिविटी करनी है तो वहां तक हमें चल के जाना है। ये है डैम, वहाँ एक बोट चली है, पैडल बोट। यहाँ पे बहुत सारी बोट एक्टिविटीज है।